हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन कैसा फील करेंगे अगले 24 घंटों में। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, इमोशंस क्या हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन कैसा फील करेंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए आप, क्योंकि जिसके लिए रीडिंग हो रही है उस पर फोकस करना चाहिए आपको। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइव्स, अर्थ मैजिक। Energy of the deck is accepting love. Nice. तो कार्ड्स अरेंज करते हैं सबसे पहले। देखिए व्यूअर्स, जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ऐसा लगता है कि अगले 24 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं, ऐसा फील करेंगे कि जैसे वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दे विल फील लाइक दैट। उनको ऐसा महसूस होगा कि उन्हें आपके लिए कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है, कोई जेस्चर करना है, कुछ मूवमेंट है ऐसी जिसे वो करना चाहेंगे। और वो एक्शन लाइट हो सकता है, यानी कुछ मेजर नहीं करने वाले हैं, कोई बड़ा स्टेप या बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई छोटा मोटा एक्शन ले सकते हैं ये। कुछ लाइट, कुछ बेसिक इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 24 आवर्स में, क्योंकि ये ऐसा ही महसूस करेंगे कि जैसे इन्हें कोई एक्शन लेना है, लेकिन वो एक्शन जो होगा वो लाइट होगा, फ्रेंडली होगा, बहुत इंटेंस नहीं होगा। जैसे कुछ बात करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, बिहेवियर में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ये कुछ ऐसी स्टोरी स्टेटस लगाएंगे, जो स्टोरी स्टेटस देख के आपको लगेगा कि आपके लिए लगाया है, या ये ऐसा भी हो सकता है कॉल करें, आपको मैसेज करें, ये हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है व्यूअर्स के आपके जो पर्सन हैं, अगले 24 घंटे में या नेक्स्ट 24 आवर्स में, ऐसा लगता है जैसे किसी सोच में, किसी विचार में, किसी थॉट में स्टक हो गए हैं। यस, जैसे कुछ उन्होंने सोचा और खुद ही अज्यूम कर लिया, सवाल भी खुद ही दिमाग में ले आए, जवाब भी खुद ही दे दिया, खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन दिमाग में है, जिसको भ्रम कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। तो आपसे रिलेटेड वो चीज़ है, आपसे रिलेटेड इन्होंने किसी बात को क्लियर नहीं किया है आपसे, और क्लियर किए बिना अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया। कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में,
क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई छोटा स्टेप या कोई लाइट स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू समथिंग बिग, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपने ही इल्यूजन में, अपने ही भ्रम में और अपने ही विचारों में जो बंध जाता है, स्टक हो जाता है, वो फिर कैसे एक्शन ले, क्योंकि माइंड में ही ये चल रहा है, कोई रास्ता नहीं है। माइंड में ये चल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अपने दिमाग से ही सोच रहे हैं, तो इसीलिए वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे। उनको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। या यस, यहाँ थर्ड पार्टी है, विजिबल है थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से स्टक हैं, वो अपने विचारों की वजह से स्टक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, आपके पर्सन जो हैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इफ़ इट इज़ अ पर्सन, और अगर कोई सिचुएशन भी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी इतने अफेक्ट नहीं है जितना अपनी ओवर थिंकिंग से अफेक्टेड है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे, कुछ मूवमेंट हो भी सकती है, लेकिन फिर भी वो जो भी करेंगे वो अपने आप को एक कंट्रोल्ड मैनर में रख के करेंगे, यानी कि एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे। यस, क्योंकि स्टक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप लोग, तो ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनका प्यार एक्सेप्ट करें, लेकिन ये कोई मेजर ऑफ़र, कोई सीरियस ऑफ़र आपको नहीं दे पाए हैं। इनकी इच्छा तो है कि आप इनका प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, या क्यों उनको उस तरह से नहीं अपनाते हैं, या क्यों उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, वो हाई लेवल ट्रस्ट जो है वो आप क्यों नहीं करते इनको। तो आप शायद इनको इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो यही सब सोच रहे हैं कि काश आप उनको एक्सेप्ट कर लेते जैसे वो हैं वैसे ही, ये काश आप उन्हें, उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें, या काश आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, काश उनकी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। तो कहीं ना कहीं वो चाहते तो हैं कि आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करें, अपनाएं, स्वीकार करें, लेकिन वो कोई बड़ा एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। जबकि नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि उनका दिल ऐसा हो रहा है कि वो आपकी तरफ भाग के आएँ, या मूव करें आपकी तरफ, आप ही की डायरेक्शन में मूव करें, ऐसा चाह रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी रीज़न की वजह से ना मूव कर रहे हों। थर्ड पार्टी रीज़न मुझे प्रोमिनेंट नहीं लगता है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं ये इसी बात को कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, और सच में ये स्टक है, और ये स्टक ओवर थिंकिंग की वजह से ही है, किसी ने इनको बांध के नहीं रखा। ये इंसान क्योंकि बहुत सोचता है, और सोच सोच कर खुद ही कंटेम्पलेट करता है, फेक सिनेरियोस क्रिएट करता है दिमाग में, चीज़ें अज्यूम करता है, उस वजह से यहाँ पर ये खुद को स्टक फील करते हैं। बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटा मोटा स्टेप ले पाते हैं, और आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये भी चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, आप उनसे बहुत प्यार करो, वो ऐसा चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से कोई सीरियस ऑफ़र आएगा, कोई वैल्यूएबल रिलायबल ऑफ़र आएगा इनकी तरफ से, ऐसा लगता तो है, लेकिन वो ऑफ़र जो होगा ना व्यूअर्स, वो थोड़ा लेट होगा, लेट हो जाएगा। अभी ये लाइट ऑफ़र आपको दे रहे हैं, और कुछ दिन और ऐसा ही करेंगे, कुछ समय तक और ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाएगा, शायद ये अपने इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे, अपने भ्रम से बाहर आ जाएंगे, अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे, तो ये इंसान जो है वो आपको ऑफ़र कर पाएंगे कुछ सीरियस, कुछ स्टेबल, क्योंकि अभी स्टेबल ऑफ़र नहीं कर रहे, अभी तो एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आने का इंतज़ार है आपको। आप चाहते हैं, आप भी वेट करते हैं कि ये इंसान कुछ सीरियस ऑफ़र करे, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र करे, लेकिन इस इंसान की तरफ से ऐसा कोई कन्फेशन, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आता है, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ऑफ़र करते रहते हैं। एक्शंस लेते हैं, लेकिन लाइट होते हैं वो एक्शंस। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपसे चाहते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करो अनकंडीशनली, लेकिन वो अपना प्यार ज़्यादा शो नहीं करते हैं, या वो अपना प्यार ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
हो सकता है ओल्ड चैट्स पढ़ेंगे ये नेक्स्ट 24 आवर्स में, पुराने चैट्स पढ़ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि पुराने फोटोज़ देखेंगे या पुराने चैट्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ पास्ट को याद दिलाने वाली कोई एक्टिविटी करेंगे जिससे पास्ट की याद आए, या पास्ट को टटोलेंगे या फ्लैशबैक में जाएंगे, ऐसा भी लगता है। देखिए यहाँ पर 8 of swords है, यहाँ पर 9 of swords है, तो swords बहुत ज़्यादा है, तो इस इंसान को टेंशन भी बहुत है, स्ट्रेस भी बहुत है, नेक्स्ट 24 आवर्स में खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। यस, ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीद टूट रही है किसी चीज़ की, कुछ हो जाएगा, कुछ होना चाहिए या कुछ हो जाए, अब वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी उम्मीद जो है ना व्यूअर्स, वो टूट रही है। ये अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं बता पा रहे, ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन इनका ऑफर उतना ही लेट है, इनका सीरियस ऑफर बहुत लेट आएगा। ये दूसरों की बातों में भी आए हैं, इनके आसपास कोई है थर्ड पार्टी जिसकी बातों में ये आए हैं। ओके, हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कहीं ट्रैवल किया है या करने वाले हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, लेकिन हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी की बातों में आए हैं, जिस वजह से किसी की बातों में आकर इन्फ्लुएंस होकर या किसी के प्रेशर में आकर, किसी के कंट्रोल में आकर ये जो इंसान है ये स्टक हो गए। और क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं आप भी उनसे प्यार करो, इसीलिए फ्रेंडली बेसिक नॉर्मल कैजुअल जेस्चर्स करते रहेंगे जिससे कि आप जाओ ना, आप समझ रहे हो, आप चले भी ना जाओ पूरी तरह, वो भी नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं आप उनसे प्यार करो, और वो पूरी तरह से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करते, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देते नहीं हैं, तो फिर आप रुकेंगे क्यों, आप चले जाएंगे, तो इसीलिए आपको लाइट ऑफर्स देते रहते हैं जिससे कि आप तब तक रुके रहें जब तक ये आपको अपना सच्चा प्यार कन्फेस कर पाएँ, जब तक ये आपको वो ऑफर दे पाएँ तब तक आप रुके रहें। और तब तक आप कैसे रुकेंगे अगर वो आपको कोई लाइट ऑफर भी नहीं देंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं जिससे आप ना वहीं रुके रहो, वहीं रहो, जाओ ना, मूव ऑन ना करो, कहीं ना कहीं उसी फेज में रहो, या वेट करो, या मूव ऑन ना करो, कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व, उसी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहो, उसी सिचुएशन में इंगेज्ड रहो, ऐसा चाहते हैं कि जाओ ना। आपको छोटा मोटा कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका अटेंशन, आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ रहता है, ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में व्यूअर्स, बहुत सोचते हैं, प्लानिंग भी बहुत करते हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जो प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ऐसा ही लगता है, सोच बहुत रहे हैं, दिमाग बहुत लगा रहे हैं, सोचा बहुत सारा लेकिन उसमें से किया बहुत ही कम, यानी कि 90% अगर कोई प्लान बनाया है उसमें से 1% तो वो करते हैं, बाकी सब चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड फील करते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं, दुख में हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं, किसी ने इनको कुछ बताया है, समझाया है, बोला है, प्रेशराइज किया है, उन विचारों में फंस गए हैं। ऐसा भी लगता है कि इनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा सपोर्टिव शायद ना हो, शायद इनके फ्रेंड्स भी इनकी बात को सीरियसली नहीं सुनते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है या प्रेशराइज करती है। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, देखिए, या थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा हर्ट, पेन में तो हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट 24 आवर्स में दुखी हैं, तकलीफ में हैं, या किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा है, काफी हेल्पलेस सिचुएशन है। या साइंस यहाँ पर फायर साइन तो इतना नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे यहाँ वाटर साइन और एयर साइन ज्यादा दिखता है, वाटर, एयर एंड अर्थ, या वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन ज्यादा प्रोमिनेंट है।
ओके, फायर साइन भी है लेकिन इतना नहीं है, बट फायर साइन भी है। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, हेल्प किया है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट करती है रीडिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।